हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2016 का। जैसा कि आप स्क्रीन बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन से ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अंतः स्थापित छल्ले दर्शाते हैं। इसका आंसर है पहला दुनिया की एकता। और आपको जिसका एक्सप्लेनेशन देखना है तो जस्ट उसके नीचे दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक कोई भी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। इसका आंसर है विटामिन, इसका आंसर विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन को डैश के माध्यम से मापा जाता है। इसका आंसर है स्कोलियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, मेसोमॉर्फी की विशेषता होती है। इसका सही आंसर है आपका गर्दन मजबूत और लंबी होती है। अकॉर्डिंग टू सेल्डन के अनुसार ये तीन तरह की, तीन प्रकार की होती है, एक्टोमेसो इंडो, इसको बॉडी टाइप बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत को खोज किसने की। इसका आंसर है आपका थॉर्नडाइक। और उन्होंने 3 नियम बताए, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी मैदान में मीटर क्षेत्र में कौन सा है, 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है। आंसर है फर्स्ट मानी 22.90 मीटर इंटू 55 मीटर। और हॉकी मैदान की जो लंबाई चौड़ाई होती है आपका 91.40 मीटर और चौड़ाई 54.24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है 6 × 20 गज, मीटर में बात करेंगे तो 5.5 और 18.32 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या अच्छे परीक्षण का मापदंड नहीं है। वो है व्यक्ति परकता, आंसर यानी दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डियो वस्कुलर दक्षता निर्धारित करने के लिए परीक्षण का नाम बताएं। इसका आंसर है आपका हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, इसको जिसकी खोज लुसियन बरुआ 1943 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। आंसर है आपका लक्ष्यों का निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हॉकी में कॉर्नर हिट कहाँ से ले जाती है। अगर हम गज की बात करें तो 25 गज और मीटर बात करेंगे 23 मीटर से ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। ये ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में आता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के एलटी ग्रेड कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो ये क्वेश्चन आते ही आता है। इसका जो करेक्ट आंसर हुआ आपका 42.195 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 13, किस खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है। आंसर है आपका बास्केटबॉल। 14, खेल के शीर्ष फॉर्म किस पर निर्भर करती है। करेक्ट आंसर इज दैहिक सीमा। क्वेश्चन नंबर 15, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किससे संबंधित है। इसका सही आंसर प्राप्ति की लालसा की ताकत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, संस्थान की 4 दीवार के भीतर आयोजित प्रतियोगिता है। आंसर आपका इंडोर प्रतियोगिता है। क्वेश्चन नंबर 17, एथलेटिक्स व्यक्तित्व की विशेषताओं में किसे छोड़कर सभी शामिल हैं। इसका आंसर है आत्मसमर्पणता। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है। आंसर आपका योजना बनाना यानी प्लानिंग। 19, इंट्रामुरल कार्यक्रम में कैसी भावना उत्पन्न करता है। आंसर इज 2, भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है। आंसर इज रणनीति। क्वेश्चन नंबर 21, किस भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टैंड पर चढ़ने का अवसर मिला। आंसर आपका जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 22, पहले विशेष ओलंपिक मेजबानी किस देश ने की। आंसर इज अमेरिका। 23, ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था। करेक्ट आंसर इज
पीरेडी कोबर्टिन। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? आंसर ये नरेंद्र द्रुबत्रा। शहर ओलंपिक टेस्ट में है, शहर ओलंपिक आंसर है आपका यूनान 26। शिक्षकों को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शक परिभाषित करता है? आंसर आपका आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। 27। शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, इसे में शामिल किया गया है? आंसर आपका यूनेस्को चार्टर। 28। हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? हॉकी का मैच पीछे पास देकर प्रारंभ होता है। 29। भारत में खेल प्रशिक्षक को दिया जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है? आंसर आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। 30। साई के पदेन अध्यक्ष होता है, भारत के प्रधानमंत्री। 31। विंटर ओलंपिक शुरू किए गए थे, आंसर इज 24 यानी 1924 में। 32। कौन में से निम्नलिखित में से कृत्रिम अभिप्रेरणा का प्रकार नहीं है? आंसर इज 4 सहज क्रियाएं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 33 आएंगे। खेल में लगने वाली चोट एक चोट पर एथलीट को प्रदान किया गया तत्काल उपचार है, वो है आपका क्रायोथेरेपी। आपको अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना है, इसके नीचे लिखा गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। जॉगिंग तैराकी और साइकिलिंग का एक हिस्सा है, आंसर इज एक निरंतर यानी कंटिन्यूस ट्रेनिंग। माइकल फेरेरा किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स। 36। फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है स्पायरोमीटर द्वारा, आंसर आपका स्पायरोमीटर द्वारा। 37। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन है? आंसर आपका मिल्खा सिंह। 38। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्रोत होता है? पाठ्य पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 39। कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? इसका आंसर है घूर्णन। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की। एर्गोग्राफ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एर्गोग्राफ डेस्क को मापता है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका मांसपेशी सहनशीलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य दिया? आंसर आपका कुबर्टिन, पीरेडी कुबर्टिन। क्वेश्चन नंबर 42। स्पोर्ट्स में एर्गोजेनिक एड्स डैश में मदद करता है, इसका आंसर आपका सहन शक्ति बढ़ाने और एकाग्रता बढ़ाने, एक पहला सही है। नेक्स्ट 43। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी? आंसर इस एम डिसूजा। 44। वॉलीबॉल में स्मैशिंग इस नाम से भी जानी जाती है, आंसर आपका स्पाइकिंग। क्वेश्चन नंबर मूव करेंगे 45 की तरफ। दोस्तों, इस वीडियो का हमारा मेन मकसद है आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराना, इसके साथ साथ आपको आंसर की भी बताना और इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। मेन मकसद आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन प्रोवाइड कराना। जैसा कि बहुत सारे लोगों कमेंट आ रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाई, तो मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए। तो हम बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 45। एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में सीखना डैश है, आंसर इज आपका अधिगम का स्थानांतरण। 46। एक एक्टोमॉर्फ व्यक्ति के पास होता है, आंसर इज एक पतला और सिलेंडर फ्रेम। आपको अगर एक्सप्लेनेशन देखना है तो उसको नीचे जस्ट किया गया है, आप उसको वॉच करके पढ़ सकते हैं। 47। व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर डैश हड्डियों में होता है, आंसर इज 4 बाह में। बुली किस खेल से संबंधित है? आंसर इज 4 हॉकी से। स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? आंसर इज 2 पेशी सहनशीलता। नेक्स्ट मूव करें क्वेश्चन नंबर 50, क्योंकि टोटल 125 क्वेश्चन आएंगे यूपी टीजीटी में।
50 है आपका, क्या रीढ़ की हड्डी के चोट संबंधित नहीं है, एब्रेशन 51। कौन सा इवेंट हेप्टाथलान में शामिल नहीं है, आंसर इज 4 डिस्कस थ्रो। 52। खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है आपका अर्जुन पुरस्कार। 53। राष्ट्रमंडल खेल में 2018 भारत द्वारा कितने स्वर्ण पदक जीते गए थे, आंसर है आपका 26। इंसुलिन डैश स्रावित होता है अग्नाशय 55। यहाँ पे मिलान दिया गया है 55 का, जो है भाला फेंक, अनुक्रमिक भाग विधि, इंस्टेप किक, पूरे भाग विधि, मार्चिंग प्रदर्शन विधि, कच्छ शिक्षण, मौखिक विधि। 56। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, कब मनाया गया था, पहला आंसर है आपका 21 जून 2015। 57। भारत का राष्ट्रीय खेल, आंसर 4 हॉकी। मीनासा किस खेल से संबंधित है, आंसर इज बैडमिंटन। किसे अनुवांशिक अनुमेदन माना जाता है, आंसर इज स्पीड। नेक्स्ट मूव करेंगे 60। ग्रीवा संधि उदाहरण है, आंसर इज 3 पीवोट संधि। प्रकृतिवाद के जनक कौन है, प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म के जनक कौन है, आंसर इज रूसो। 62। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका, जनतंत्रवादी, आंसर इज 2। 63। शिक्षक का इंटर्नशिप कार्यक्रम डैश प्रदान करता है, आंसर है आपका प्रैक्टिकल कोर्स। 64। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किस ड्रग्स पर प्रतिबंधित नहीं है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है, आंसर है आपका अल्कोहल यानी शराब। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ है आपका त्वरण का नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। नेक्स्ट मूव करेंगे 66 क्वेश्चन आपका, मांसपेशियों के संकुचन के दौरान यदि मांसपेशियों के आकार कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। सेकंड। पहला शारीरिक शिक्षा भी विशारद कौन था जिसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, प्रोफेसर करण सिंह को। बोनस अंक कल तब मिलता जब कबड्डी मैट पर डेस्क रक्षक होते हैं, आंसर है आपका 6 खिलाड़ी होते तब मिलता है। लीग टूर्नामेंट कुल कितने मैच खेला जाए, टीमों की संख्या 10 हो, ठीक है। लीग टूर्नामेंट को रॉबिन डाउन टूर्नामेंट भी बोलते हैं और इसका फार्मूला होता है मैच टोटल नंबर ऑफ मैच निकालने के लिए एन कोस्टम एन माइनस 1/2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 45 मैच आएगा। और नॉकआउट टूर्नामेंट नीचे का अर्थ कितनी बाई दी जाएगी, ठीक है। अब बाई निकालने का तरीका होता है 2 के पावर, ठीक है। तो 2 के पावर हाइएस्ट 2 के पावर नेक्स्ट, तो यहाँ पे 11 टीम है तो नेक्स्ट पावर हो जाएगा 16 माइनस तब टोटल बाई 5 मिलेगी, ऊपर 2 बाई नीचे 3 बाई दी जाएगी। नेक्स्ट आपका मैकडोनाल्ड फुटबॉल परीक्षण शामिल है, आंसर आपका बैकबोर्ड फुटबॉल को ज़मीन पर गिरे बिना मारना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि पुरुषों की 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई क्या होती है, इसका जो करेक्ट आंसर है 1.06 मीटर। 73। फुटबॉल में पेनल्टी की स्पॉट कितनी दूर पर चिन्हित किया जाता है, इसका आंसर है फर्स्ट यानी 12 गज और मीटर में करेंगे 11 मीटर। 74। 3000 मीटर स्टीपल चेंज वाटर जंप की संख्या कितनी होगी, इसका सही आंसर है आपका 7। 75। डेकाथलान में कितनी स्पर्धाएं होती हैं, डेकाथलान में टोटल 10 स्पर्धाएं होती हैं और 4 ट्रैक और 6 फील्ड होती हैं। 76। वेटलिफ्टिंग स्पर्धा 2 प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कितने से कम नहीं होना चाहिए, आंसर है आपका 1.5 किलोग्राम। 77। रॉबिन राउंड संबंधित है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, ये आपका लीग प्रतियोगिता से मतलब लीग टूर्नामेंट को रॉबिन राउंड टूर्नामेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है IAAF का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर आपका ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन।
79 किस दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन, 29 अगस्त। और ये क्यों मनाया जाता है? ये हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी ध्यानचंद, इसके हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है इनको, उनके जयंती के उपलक्ष्य मनाया जाता है। 80 शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर है आपका छात्रों पर प्रभाव। 81 खेल प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति योजना कब शुरू गई की गई? करेक्ट आंसर ये 1970 से 1971। 72 क्या बनाए रखने के लिए खेल प्रबंधन प्रभावी बातचीत आवश्यक है? गतिशीलता। 83 वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक भारत ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? आंसर है आपका एक निशानेबाजी। स्वर्ण पदक किसने जीता था 2008 बीजिंग ओलंपिक? अभिनव बिंद्रा ने जीता था 10 मीटर एयर राइफल में, वो स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो हम बात नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 84। टोटल दोस्तों 125 क्वेश्चन है UPTGT के पेपर में। 84 पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन ओलंपिया में वर्ष किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है 776 BC। 85 विशेष ओलंपिक में कौन प्रतिभागी होते हैं? इसका सही आंसर है आपका मानसिक रूप से मंद बच्चे। 86 उस शहर की पहचान करें जहां 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाएगा। इसका आंसर आपका डरबन। प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1951 में इंडिया में दिल्ली में। शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक नैतिकता डैश शामिल करती है? इसका आंसर आपका नैतिक मूल्य। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 89 और आप लोगों के अगर कमेंट आएंगे कि और भी सीरीज लेकर आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लेकर आएंगे, और आपका कमेंट आया कि सर PGT का भी क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 89 भारत में राष्ट्रीय फिटनेस स्कोर की स्थापना? आंसर आपका 1965। ये यूपी के द्वारा प्रोवाइड कराए गए, ये यूपी आयोग के द्वारा प्रोवाइड कराए गए ये आंसर कीज हैं। अगर इसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि या गलती होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शारीरिक शिक्षा का एक का क्या उद्देश्य है? व्यक्ति का संपूर्ण विकास, इसका आंसर है। राजीव ख्याति गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर आपका विश्वनाथ आनंद। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है? 1991-1992 में। और इस पुरस्कार का जो है पहले 7.5 लाख रुपए था, इस बार बढ़ा दिया गया 25 लाख रुपए कर दिया गया है। 92 ट्रैक इवेंट को 20 रिकॉर्ड पर विचार करने वाले पहले कितने टाइम कीपर्स की प्रदर्शन की जांच करनी चाहिए? आंसर है आपका 5 की टाइम बुक हैं टाइम कीपर। 93 आमतौर पर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए बॉक्सर के लिए कितने अधिकतम आयु सीमा है? अधिकतम आयु सीमा 40 है इसमें, लेकिन करेक्ट आंसर नहीं दिया गया है इसमें। न्यूनतम 18 अधिकतम 40, इसमें ऑप्शन नहीं, तो न्यूनतम 39 दिख रहा है। आप इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताएं इसका जो सही आंसर क्या है। शब्द नौ दंड अपराध डैश से संबंधित है, इसका आंसर आपका फुटबॉल है। नेक्स्ट मूव करेंगे 95 अधिक ऊंचाई पर ट्रेनिंग लोड के अनुकूलन को डैश के रूप में माना जाता है, इसका आंसर है आपका एक्लमाइजेशन। 96 एरोबिक फिटनेस को डैश के माध्यम से सबसे अच्छा हासिल किया जा सकता है किया जाता है, आपका है लंबी दूरी की दौड़। 97 भारतीय किंवदंती हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद गुप्ता का नाम क्या था? आंसर है बहुत इजी क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर इन्हें बोला जाता था। 98 कबड्डी की किस शैली को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त है? आंसर आपका संजीवनी।
99 प्रथम कशेरुका को कहते हैं। ये बहुत ख़तरनाक हिंदी है, इसका मतलब हमें भी नहीं मालूम। इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो है आपका एटलस। क्वेश्चन नंबर 100, लीन बॉडी मास क्या है? इसका जो सही आंसर आपका मांसपेशियां, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक। मूव करेंगे 101। पहला विश्व ट्रैक और फील्ड चैंपियनशिप किस वर्ष आयोजित की गई? इसका आंसर है आपका 1983। आपको इसका इन सब सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखना है तो इसमें दिया गया है, इस जस्ट क्वेश्चन के नीचे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। उरोस्थित भाग है, आंसर है आपका एक वक्ष कशेरुक। 103, निम्नलिखित किस परीक्षण का उपयोग मांसपेशियों की सहनशक्ति को मापने के लिए नहीं किया जाता है? आंसर है आपका दूर तक चलना। 104, निम्नलिखित कौन सा प्लेन इसी ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे थे 104 क्वेश्चन पे, शरीर का कौन सा प्लेन इसी ऊपरी और निचले हिस्से में विभाजित करता है? आंसर है ट्रांसवर्स। 105, निम्नलिखित में से कौन सा खेल आंतरिक पुरस्कार है? करेक्ट आंसर इज आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, एशियन खेल आंदोलन की कल्पना किसने की थी? करेक्ट आंसर इज जी डी सौंधी। 107, ग्लूटियस मैक्सिमम मांसपेशी में डैश स्थित होती है? आंसर आपका नितंब। 108, भारतीय हॉकी टीम के निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं? आंसर है 3, 8 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य। 109, व्यक्ति को बालक व किशोर वर्गीकरण करने के लिए कानूनी कसौटी है? कालानुक्रमित आयु। आंसर इज 110, वह कारक कौन सा जो शारीरिक शिक्षा में शिक्षक शिक्षण के सबसे अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है? 110 का तीसरा, रोजगार की कमी। मूव टूवर्ड्स द 111, खिंचाव चोट है स्नायु स्तंभियों अस्थिबंधों की? हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोड डैश से परे होता है? करेक्ट आंसर 180 डिग्री। कौन सा खेल प्रतियोगिता दौरान समय अवकाश प्रदान नहीं किया जाता है? इसका आंसर है फुटबॉल। 2018 एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था? आंसर इज वन इंडोनेशिया 2018। बोनस लाइन संबंधित में किस खेल में चिन्हित है? इसका आंसर है आपका कबड्डी। 116, कार्डियक आउटपुट वेंट्रिकल द्वारा रक्त की मात्रा बाहर निकालना है 1 मिनट में? नेक्स्ट मूव करेंगे 117। इससे पहले अगर दोस्तों आप लोगों ने हमारे चैनल पर अभी भी नए आए हैं, अभी जस्ट जुड़े हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ला सकूं, और बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी आपसे अपडेट ना छूटे, नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117, डैश की कमी से रतौधी, विटामिन ए की कमी से रतौधी होता है? जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं कि विटामिन ए का रतौधी, विटामिन डी से सूखी हड्डी रोग, रिकेट्स, दिल के दौरे, डिप्लेमी, एनीमिया, कैसे रक्त थकाना जमना है? आप देख सकते, डिटेल भी दिया गया, थोड़ा सा आप देख सकते हैं स्क्रीन बोर्ड पर। 118, पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता? आंसर है आपका करणम मल्लेश्वरी, ये वेट लिफ्टिंग से थी। 119, निम्नलिखित में किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? ये आपका पीयूष ग्रंथि। 120, भारत में पहला शारीरिक शिक्षण प्रशिक्षण कॉलेज शुरू किया गया था? आंसर है आपका चेन्नई YMCA। इसकी स्थापना 80 बग ने की थी 1920 में। 121, उक्त रक्त शर्करा का स्तर डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? आंसर है आपका इंसुलिन। रिमेनिंग आपके बचे 5 क्वेश्चन।
122 निम्नलिखित में कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है? करियर काउंसलिंग, आंसर इज करियर काउंसलिंग। 123 निम्नलिखित कौन सा एक स्वास्थ्य संबंधित फिटनेस घटक है? आंसर है शरीर संरचना। 124 निम्नलिखित शिक्षक के किस गुण को छात्रों द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया जाएगा? आंसर है आदर्शवादी, आइडियलिज्म। लास्ट क्वेश्चन, एक पेशेवर संस्थान का निर्णय डैश द्वारा किया जाता है, आपका दक्षता द्वारा। इस तरह से दोस्तों हमारा ये यूपी टीजीटी एंड टीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2016 का यहाँ पे समाप्त होता है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा और आपकी डिमांड भी थी तो इसलिए हम लेके आए हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को भी, ताकि ये क्वेश्चन पेपर उनके पास ही पहुँच जाए आराम से। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।